ये खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। न्यूज डिवाइन के अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप तक ये सूचना तो पहुंच ही गई है कि निरंकारी जगत का 70वां संत समागम इस महीने यानी नवंबर 2017 की 18, 19 और 20 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। हर और इस आध्यात्मिक महायज्ञ की महक है। देश हो या विदेश, लाखों भक्तों ने तैयारी कर ली है इस समागम का हिस्सा बनकर सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की और साथ ही भक्ति की असीम ऊर्जा और प्रेरणा से खुद को सराबोर करने की। तो आइए न्यूज डिवाइन के इस एपिसोड में आने वाले समागम के साथ साथ निरंकारी परिवार की अन्य खबरों को जानते हैं। शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइंस के साथ। दिव्यवाणी, सदगुरु आशीष, 70वां वार्षिक संत समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात और अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, ये नाम केवल एक नाम नहीं है, ये नाम एक जीवन है, सदा रहने वाली एक प्रेरणा है, एक महक है जो बरसों बरस मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। बाबा जी के जीवन के अनेक ऐसे पहलू थे जिनके जरिए उन्होंने दिव्य गुणों को जीकर दिखाया और शायद इसीलिए आज भी हुजूर के शब्दों में हमें उतनी ही महक मिलती है जो हमेशा मिलती रही। तो आइए सुनते हैं बाबा जी का संदेश अपने पहले सेक्शन दिव्य वाणी में। हमने इस जीवन के सफर को प्यार के साथ तय करना है। हमने हरगिज नफरतों से नहीं जीना है और प्यार का जहान हमने आबाद करना है। प्यार की कमी संसार में है, इस कमी को हमने पूरा करना है। तो ये जीवन जीने का ढंग, ये सलीका, ये संतों गुरु पीर पैगंबरों ने इंसानों को प्रदान किया, तो आज भी उसी की महत्ता जानते हुए आप इसी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता और इंसानियत का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। इस मानवता और इंसानियत का दामन छोड़ा नहीं है और यही मानवता इंसानियत का दामन मजबूती से पकड़ने का मतलब कि सच्चे धर्म का दामन थामे हुए हैं। सच्चे धर्म की पहचान मानवता ही है, इंसानियत ही है, इससे हटकर कोई भी परिभाषा नहीं है धर्मों की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद अब आगे बढ़ना होगा और आगे है हमारी सदगुरु माता जी। जी हाँ, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के संक्षिप्त प्रभावशाली संदेश पूरे निरंकारी जगत को आज पुनर्जीवन दे रहे हैं। तो चलिए मिलकर उस रूहानी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं अपने अगले सेक्शन में जिसका नाम है सदगुरु आशीष। सदगुरु द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं को एक नई गति देते हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज 4 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी से पंजाब जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में दर्शन के लिए लालायित भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए सदगुरु माता जी चंद पलों के लिए पंजाब के राजपुरा में रुके। तत्पश्चात शाम को लुधियाना के भारत नगर सत्संग भवन पर आगमन हुआ। यहां पर श्रद्धालुओं को माता जी ने चरणों पर नमस्कार का अवसर देकर निहाल कर दिया। अगले दिन 5 अक्टूबर को सत्य का ये कारवां संगोवाल में उस स्थान पर पहुंचा जहां पर एक नया भव्य सत्संग भवन बना था। भवन के समीप ही विशाल ग्राउंड में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम सदगुरु माता जी का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। यहाँ पर भक्तों ने हर्षित मन से सदगुरु माता जी का स्वागत किया।
माता जी ने नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात सदगुरु माता जी का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। सदगुरु माता जी जब आसन पर विराजमान हुए तो कई कई पंक्तियों में भक्तजन नमस्कार के लिए आगे बढ़ने लगे। सत्संग कार्यक्रम में मंच से हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं में सत्य का संदेश दिया गया। सभी के मनों के उद्गार श्रवण करने के उपरांत सदगुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा, साथ संगत जी, ज्ञान लेने के बाद हम इस निरंकार विशाल प्रभु परमात्मा से जुड़े हैं और हमें यह भी पता है हर व्यक्ति में इसका एक अंश है। हम ये कभी ना भूलें, हर गुरुमुख इस प्रभु परमात्मा का रूप है। सत्संग कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सदगुरु माता जी जब सत्संग भवन की बालकनी में आए तो दर्शन कर श्रद्धालु भक्त निहाल हो उठे। तत्पश्चात देर रात सदगुरु माता जी का आगमन अमृतसर सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर सत्संग भवन के प्रांगण में हजारों की संख्या में भक्तजन एकत्रित थे। भक्त और सदगुरु किसी को भी ना तो आराम की फिक्र थी और न ही रात गहराने की परवाह। देर रात तक ये भक्ति में सिलसिला चलता रहा। अगले दिन अमृतसर के एक विशाल खुले ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जब सदगुरु का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ तो भक्तों ने भावपूर्ण ढंग से अपने सदगुरु की अगवानी की। आए हुए श्रद्धालुओं ने भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने भाव सदगुरु माता जी के चरणों में व्यक्त किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में समस्त मानवता को संबोधित करते हुए सदगुरु माता जी ने कहा, साथ संगत जी, बाबा जी के साथ अनेकों वर्षों से आपके पास अमृतसर आने का मौका मिलता रहा और आप सब महापुरुषों को बाबा जी का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहा। साथ संगत जी, जो प्यार बाबा जी ने सबको दिया इतनी विशालता के साथ, वो प्यार हमने सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उसी विशालता के साथ हमने इसको आगे बांटना है। अगले दिन 7 अक्टूबर को दयालु सदगुरु माता जी ने अमृतसर सत्संग भवन पर एकत्रित भक्तों को दर्शन व आशीर्वाद प्रदान किए और फिर यहां से आगे बढ़ चले। इसी प्रकार रास्ते में अनेक स्थानों पर रुककर सदगुरु माता जी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए जालंधर पहुंचे और यहां पर निर्माणाधीन सत्संग भवन पर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। बाबा जी व सदगुरु माता जी के संदेश के बाद अब उस विषय पर आते हैं जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जी हाँ, 70वां निरंकारी संत समागम, एक ऐसा महायज्ञ जहाँ लाखों की संख्या में देश और दूर देशों से संत महात्मा पहुँचकर वसुदेव कुटुंबकम के लघु रूप को साकार करते हैं। मधुर भक्ति गीतों से, गहरे गहन विचार और कविताओं से, आपसी मिलवर्तन से और फिर एकत्व से, और इसकी शुरुआत तो एक महीना पहले ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, समागम सेवा के रूप में। आप देखना चाहेंगे तो आइए चलते हैं समागम ग्राउंड्स की ओर। अक्टूबर का महीना समागम सेवा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस माह ही विधिवत रूप से शुरुआत होती है दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक संत समागम की भिन्न भिन्न सेवाओं की। इस वर्ष भी 70वें समागम सेवा का विधिवत शुभारंभ 8 अक्टूबर को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन कर कमलों के द्वारा हुआ। 8 अक्टूबर को समागम सेवा की विधिवत शुरुआत होने के पश्चात भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया और सुबह शाम दिन रात दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से संगतों का सेवा हेतु तांता बंध गया। हर उम्र, हर तबके के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि दिव्यांग भी इस सेवा में उत्साह पूर्वक जुट गए। एक ओर जहां दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से प्रत्येक दिन श्रद्धालु भक्त आकर अपनी सेवाओं की आहुति दे रहे थे तो वहीं दूसरी ओर समागम ग्राउंड में देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए ऐसे भक्त भी थे जो 15 दिन या महीने भर पहले से आकर समागम सेवा में पूरी तन्मयता से अपनी सेवाएं निभा रहे थे। मेरा नाम प्रियंका है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब सेवा करने आते हैं और इतना प्यार सब में, इतना सत्कार देखकर संतों के साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है। मेरा नाम रुचि है, मैं अलवर राजस्थान से आई हूँ। मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ 2 दिन से, हम कल सुबह ही आए हैं सेवा के लिए। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सबको देख के इतना सब में डेडिकेशन है सेवा के लिए, ये देख के भी बड़ी खुशी होती है, खुद को भी एक मोटिवेशन मिलता है। पिछले 15 साल से इसी तरह से लगातार सुबह की सेवा दास कर रहा है
जो भी सेवा मिलती है सबसे पहले ये सद्गुरु की हम थैंकफुल हैं कि हमें सद्गुरु माता जी ने अपॉर्चुनिटी दी कि सेवा जिस मर्जी रूप में मिली हो बस हम निष्काम सेवा कर सके, यही अरदास है सद्गुरु माता जी से कि हम जो एक सेल्फलेस सर्विस कर सके। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये सेवा? हम जी हो गया 8 दिन हो गया जी। 8 दिन? हाँ जी। हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? हम जी हो गए 7 साल आते हैं। कैसा महसूस होता है जी सेवा कर रहे होते हैं? जिदा स्वर्गा दे विच ही आ गए हैं, जी नहीं करता घर जान नू, जी दिल नहीं करता। अच्छा। जी करता इत्थे काम करी जाइए। गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है मुझे, बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, और 14 साल से दास यहाँ पे सेवा कर रहा है बाबा जी के यहाँ। बड़ी कृपा है गुरु की जो हम यहाँ सेवा, हम बहुत खुश नसीब है जो हमें सेवा यहाँ मिली है जी। यहाँ जो आनंद और सुकून आता है सतगुरु की सेवा करके, वो कहीं जो दूसरे अपने पदार्थों के लिए माया के लिए करते हैं वो कहीं भी नहीं मिलता है। मनदीप सिंह जी सूरत से। हाँ जी। क्या करते हैं? 10 हेक्टर है जी। तो ये सेवा में कब से आना हुआ जी? पिछले 7 साल से आ रहे हैं एडवांस सेवा में। आपके दोस्त जानते हैं मनदीप की आपकी सेवा करते हैं? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं जी। तो क्या रहता है इंप्रेशन आपका अपने दोस्तों के? बस उनको ये रहता है तुम इस फील्ड से बिलोंग करते हो और फिर वहाँ सेवा करते हो तो डोंट यू फील ऑड। मैंने कहा जो कुछ भी है आज सतगुरु के आशीर्वाद से ही है, वरना तो इसके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। एज एक्टर सेवा और भक्ति को किस नज़रिए से देखते हैं जी? बहुत ज़रूरी है सेवा और भक्ति। एज एन एक्टर दास कहे तो वो एक अलग फील्ड हो जाती है, पर वो सिर्फ पर्दे पर जब तक हैं हम तब तक ही हैं, पर रियल लाइफ में अगर भक्ति नहीं, रियल लाइफ में अगर सेवा नहीं तो बेड़ा पार नहीं। दास तो यही मानता है इस बात को। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। आपका नाम क्या है? सावन नाम है। सावन, हाँ जी। पहली बार सेवा कर रहे हो आप? नहीं, सेवा तो हर साल करते हैं जी। यही सेवा करते हैं? नियमानुसार जैसा आदेश होता है ऐसी सेवा करते हैं। अच्छा, अभी ये वाली सेवा का आदेश हुआ है? यस मैम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है सेवा करते हुए? मजा आ रहा है मैम सेवा करने में। कितने साल से आ रहे हैं? हमारे को लगभग 7-8 साल से आ रहे हैं। अच्छा, अभी सेवा करते हुए ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ गंदगी बहुत है, बदबू आ रही है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सेवा करते हुए? हाँ जी। एक ओर जहां श्रद्धालु भक्त समागम सेवा की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी सुबह दोपहर शाम समागम ग्राउंड्स के कोने कोने में जाकर समागम की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और भक्तों की सुविधा हेतु हो रही हर व्यवस्था का बारीकी से जायजा भी ले रहे हैं। सद्गुरु माता जी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता। आपके पावन मुखड़े पर खिली मुस्कान देखकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ जाती। इस दौरान जहां बाबा जी की याद और उनकी कमी भक्तों को महसूस हो रही थी, तो वहीं सद्गुरु माता जी की रहमत की ओट श्रद्धालुओं को सहारा प्रदान कर रही थी। ऐसा खूबसूरत नजारा था ना, सेवा का और भक्ति भाव का। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज डिवाइन में, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। 70 years, a historical journey of the accumulated sacred spirit of millions of devotees, the journey of Sant Nirankari Samagam, where a unique amalgam of melodious devotional songs, profound thoughts, and insightful poetry manifests. You are very cordially invited to the 70th initiative of salvation and spiritual outreach under the divine aegis of Sadguru Mata Savindar Hardev Ji Maharaj. ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगला सेक्शन हमें दूर देशों की ओर लेकर जाने वाला है, क्योंकि निरंकारी मिशन और मिशन के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाला योगदान पूरे विश्व के उत्थान में मददगार साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं निरंकारी मिशन के दूर देशों के ब्रांचेस में हो रही गतिविधियों पर ये रिपोर्ट हमारे अगले सेक्शन में, जिसका नाम है मिशन ओवरसीज। The life, teachings and contributions of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj were honored by the NGO We Care for Humanity on the 20th of October 2017 in New York, USA at the United Nations headquarters.
The award of Supreme Spiritual Icon of the Year 2017 was announced earlier in the year by Sister Maria Amor, the Crown Princess of the Royal Kingdom of Darussalam, who is also the founder of the GOD Awards. Many followers of the Sant Nirankari Mission attended the program. Shri Rajan Sachdevji received the award on behalf of Sadguru Mata Savinder Hardevji Maharaj. Several delegates from other spiritual and philanthropic organizations were also present on the occasion. Here is a report. We talk about humanity, we talk about peace and love and unity, but there are very few who actually work for it. I would like to take this opportunity to congratulate Princess Maria Amor for arranging such a beautiful event to honor His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj of Sant Nirankari Mission. His Holiness Baba Hardev Singh Ji. His Holiness became the spiritual mentor of the mission and its spiritual master and crusader for unity, peace, and truth. The late Guru may no longer be with us, but to live in hearts we leave behind is not to die. His Holiness' compassion and love for humanity is embedded in our hearts. I have the tremendous honor, the late Baba Hardev Singh Ji, as 2017 Supreme Spiritual Icon of the Year. I am greatly honored to receive the Supreme Spiritual Icon of the Year Award on behalf of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Through this award, the WCH is not only acknowledging His Holiness Babaji as a great humanitarian, but also his contribution in uplifting humanity as the spiritual head of the Sant Nirankari Mission for the last 36 years. Here at this event today, where His Holiness Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj was honored as the spiritual icon of the year. I was very honored when I went to India, to Delhi, to meet Her Holiness Sadguru Mata Savinder Ji. That was truly a remarkable experience. I cannot tell you. I felt really the divine presence. Come and see that the world is honoring Baba Hardev Singh Ji Maharaj so profoundly for his services to humanity. It's a great honor. वैसे तो सतगुरु बाबा जी किसी भी शब्दों के मोहताज नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और उन्होंने हमेशा प्यार सिखाया है. Baba Ji has spent majority of his life working hard for us to pursue his dream. We got an opportunity to express ourselves regarding the humanitarian work, what mission is doing. People were amazed. The former president of Mexico, Mr. Wilson Fox, when we had a meeting yesterday, he was also amazed, and he had the same feeling that this much of humanitarian work we have never seen with any of the organization. I met Baba Ji in Atlanta. The first thing I told him, we're gonna bring you to the United Nations. So I really felt that honoring him is also honoring his legacy, his work to humanity. Recognizing Baba Hardev Singh Ji is just our way of showing really the true brightness, the true shine of His Holiness Baba Hardev Singh Ji. By honoring him, actually we honor ourselves. We honor the GOD Awards by honoring Baba Hardev Singh Ji. It's an honor for us. The most definitely, Baba Hardev Singh Ji is a manifestation of all that criteria, even more. That's a lifetime achievement. That is something that even us, the GOD Awards, not enough recognition can give to His Holiness. The
the Toronto branch of Sant Nirankari Mission held its semi-annual blood donation drive on October 28th, 2017. So what motivates me to donate blood is the inspiration that I got from Sadhguru Babaji's teachings that, you know, blood should flow in veins and not in drains. It's a sign of compassion and love, and it's a way of, you know, putting that love and compassion in action. I donate blood because I know that I have something within me that can help people. It really doesn't cost me anything to give it. The humanist means to me, it's about love, compassion, sharing, being able to work together, make this world a beautiful place. Humanity means being humane, being away and separated from all the discriminations that there are in the world, being there for everyone. Acceptance and, you know, the tolerance, and that we're all at the end of the day connected by one source. Celtron of Wellness are doing a very well job on the every year, well organized, and they treated very well and keep it a very nice place. Overall, the drive was successful, not only due to the high number of donors, but also due to the selfless service performed by the volunteers at the Center of Oneness in the form of organization and planning, serving community meals, and of course, the blood donation itself. We thank Sadhguru Mataji for this opportunity, and may we continue to keep serving our fellow human beings. A ladies' samagam was held in Toronto, Canada on the 14th of October at the Center of Oneness, Brampton. The theme of women empowerment and role of women in spirituality were recurrent throughout this samagam. मिशन ओवरसीज के बाद अब रुक करना होगा वहाँ जहाँ हमारा समाज है, एक ऐसा समाज जहाँ हम रहते हैं. समाज के लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और उन कठिनाइयों में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की निष्काम सेवा और सहायता उपलब्ध होती है. SNCF द्वारा किए जाने वाले सामाजिक योगदान को हम आपके लिए लेकर आए हैं SNCF डायरी में. SNCF के द्वारा हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के निमंत्रण पर 26 सितंबर 2017 को बाथुकम्मा उत्सव के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में प्रदेश से आए लगभग 30,000 व्यक्तियों के समूह को संभालने व लाइन्स आदि बनवाने की सेवा की गई. स्थानीय प्रशासन व मीडिया द्वारा SNCF की सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की गई. 1 अक्टूबर 2017 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक बाइक रैली के माध्यम से रक्तदान के प्रति जागृति प्रसारित करने का प्रयास किया गया. निरंकारी मिशन द्वारा अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिनमें शामिल हैं सादुल शहर, दिल्ली विकासपुरी, नैनीताल, पुणे, रायपुर आदि. 2 अक्टूबर 2017 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिशन के आध्यात्मिक व सामाजिक पहलुओं से सैलानियों व स्थानीय निवासियों को अवगत कराया गया. कार्यक्रम का विषय था हार्मनी इन वननेस. 2 अक्टूबर 2017 को SNCF द्वारा अनेक रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान आयोजित हुए, जिनमें शामिल हैं शोलापुर रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, मुंबई CST व मुरादाबाद आदि. 7 अक्टूबर 2017 को लुटियंस दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में SNCF के लगभग 6,000 वॉलंटियर्स द्वारा मदर टेरेसा क्रीसेंट व सरदार पटेल मार्ग पर 60,000 पौधे लगाए गए. SNCF की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बहन बिंदिया छाबड़ा जी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस मेगा ड्राइव में शामिल हुई. इस ड्राइव में हीरो ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. ड्राइव में भाग लेने वालों में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल्स के 300 छात्र भी शामिल थे. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये जो
प्लांटेशन ड्राइव है, ट्री प्लांटेशन, इसमें कई वर्षों से ये जो मिशन है हमारा, संत निरंकारी मिशन और फाउंडेशन मिलजुल के हम ये ड्राइव कर रहे हैं और लाखों लाखों पेड़ लगाए गए हैं। और ये एक, ये भी हमारा इससे एक प्रतीक है कि जिस प्रकार हम संसार में रहते हैं तो गुडनेस के जो ऐसी सीड्स हम बोएं, हम जिसमें सारे मानवता का भला हो, जैसे हम पेड़ लगाते हैं वैसे मनों में ये जो हम एक अच्छे जो एक वैल्यूज़ के भी बीज लगाएं जिससे कि सारी मानवता का भला हो सके। तो आज हमारे साथ मिस्टर सेठी हैं हु इज़ हेडिंग द CSR इनिशिएटिव्स ऑफ द हीरो मोटर ग्रुप। हमने 3 साल पहले शुरू किया था ये ड्राइव जिसको हम हीरो TY ग्रीन ड्राइव कहते हैं। तकरीबन 5 लाख पेड़ हम लगवा चुके हैं और जो मेजर हमारा है कि ना केवल पेड़ लगाना बट उनका सर्वाइवल, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारा इस टाइम पे सर्वाइवल रेट अराउंड 92-93% चल रहा है, उसकी मेरे को बहुत खुशी है कि ये नहीं कि हम सिर्फ पेड़ ही लगा रहे हैं, हम उसको उसके आगे सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का एक मेजर हाथ है। जब हम पहली बार 2015 में जब हमने पहली बार लगाया था तब बाबा जी खुद आए थे, माता जी आई थी और उसके बाद जो पूरी फाउंडेशन के लोग हैं हर बार आते हैं, दिल्ली में भी आए, इंदौर में भी आए, चंडीगढ़ में भी आए और मैं अपनी तरफ से भी पूरे जो SNCF है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने डिसिप्लिन लोग हैं ये सब कि बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम महेश छिल्लैया है, आई एम डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। पीपल पार्टिसिपेशन है वो ज़रूरी है, इसी दुनिया के हरा भरा रखना है, पीपल के हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सो इसी सेवा में जो निरंकारी पीपल आज है पूरा आरमल गोल चक्कर से लेकर पूरा वहाँ पर दौलाकांड तक है, नियरली 10,000 लोग के आज यहाँ इकट्ठा होकर इतना प्लांटेशन ड्राइव वेरी शानदार से किया है। बहुत इतना एक मास प्लांटेशन ड्राइव में इनका इतना योगदान है, मैं कितना अभी धन्यवाद देते हैं ना वो कम है। निरंकारी की तो हम हमारा NDMC की तरफ से भी, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाईस अक्टूबर को संत निरंकारी कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में निरंकारी सेवा दल के स्वयंसेवकों व SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया और अपने आस पड़ोस में सफाई रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस अभियान में होली सिस्टर बहन बिंदिया छाबड़ा जी व होली डॉटर्स बहन सुदीक्षा जी व रेणुका जी ने भी भाग लिया। स्थानीय नेताओं ने इस अवसर पर पहुंचकर मिशन की प्रशंसा की। सात व 8 अक्टूबर 2017 को SNCF द्वारा चेन्नई में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। इसी प्रकार का एक कैंप हैदराबाद में भी लगाया गया जिसका अनेक लोगों ने लाभ प्राप्त किया। तो आइए अब आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है एक खास मुलाकात। We are at the God Awards in New York, USA, where His Holiness Baba Hardev Singh Ji was honored with the award of Supreme Spiritual Icon of the Year. At this GOD Awards, with me is Joy Theriot, who is the Vice President of the UN Affairs for We Care for Humanity. Joy Theriot, thank you so much for joining us. You're welcome, and it's my honor to be here with you together. So there's love in, you know, the entire Sant Nirankari mission and all the devotees and all the followers. Mm-hmm. And that's what really unites us. It makes us one. When Babaji taught us oneness, you know, the core of that oneness is love. Many of religious organizations, when the founder dies, they become divided. But you guys become strong. You know, and you're always their presence. So hopefully that you will grow. And I'm with you in your growth. We can work together more at the United Nations and impact more people, like making people aware of the mission and the vision of the Sant Nirankari. How do you vision the mission being able to accomplish so much that the United Nations wants to see happening in the world today? The idea of bringing people into
togetherness, to be one, was not really in the table. It's just like, okay, let's go dialogue, let's go service, and find a common ground. And when I heard about the Sat Nirankari of bringing oneness, I just realized that this is the idea that we can put in the table, that we can offer. It might never be accepted, but in the long run, when you are so visible and you practice it and you come in together, and then we can actually bring result. Our goal is to really bring this ideology, these ideas, this teaching into the open, where everyone can listen and digest and practice. And if we can continue this partnership, I believe that we can bring change into the world. We can break down barriers, we can build bridges, break down the walls, because we have it in you. And I'm so inspired working with you, and thank you so much. Thank you so much. From New York, this is Preet Sahi for News Divine for Ek Khas Mulaqat. एक खास मुलाकात के साथ ही अब हम न्यूज़ डिवाइन के अंत तक आ पहुंचे हैं और अंतिम सेक्शन में हम आप तक निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार की अन्य खबरों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए अपने अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अदर न्यूज। अक्टूबर के महीने में निरंकारी कॉलोनी के बाल संगत के बच्चों ने अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन सामान्य को जहां मिशन का संदेश दिया, वहीं आगामी 70वें निरंकारी संत समागम के लिए आमंत्रित भी किया। दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को होने वाला सत्संग कार्यक्रम भी सुचारू रूप से आयोजित होता रहा तथा लगभग प्रत्येक सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की पावन कृपा बरसती रही। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। जी हाँ, इसी प्यार के भाव के साथ ही हमें बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जोड़ा और आज सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी यही संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। प्रेमा भक्ति के भाव के साथ ही न्यूज़ डिवाइन का आगाज हुआ था और इसी भाव को आधार मानकर हम मना रहे हैं 70वां निरंकारी संत समागम। अगले महीने आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे सीधे समागम ग्राउंड के माध्यम से। जी हाँ, इसी वायदे के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को। नमस्कार, धन निरंकार।